उज्जैन शहर के थाने हो या फिर तहसीलों के पुलिस थाने, सभी पुलिस थानों में अब महिलाओं की, छात्र छात्राओं की और बुजुर्ग महिलाओं सहित मुखबधिर दिव्यांग महिलाओं की बेहतर तरीके से सुनवाई होगी और उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। जी हां, अब उज्जैन पुलिस ने सभी थानों के अंदर महिला डेस्क की शुरुआत कर दी है, जहाँ पर सभी थानों के अंदर एक कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की समस्या और महिलाओं की मदद संबंधी स्लोगन के होल्डिंग बैनर लगाए गए हैं। साथ ही इन हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, जो महिलाओं की सुनवाई करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश के बाद अब उज्जैन जिले के सभी थानों में हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में 700 महिला डेस्क का शुभारंभ किया गया है, जिस पर से उज्जैन जिले में 21 महिला डेस्क 21 थानों में स्थापित की जा रही है, जहां पर महिलाओं से संबंधित सारे अपराध या महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके सुनने के लिए वहां पर महिला अधिकारी एवं महिला स्टाफ वहां पर पदस्थ किया गया है। साथ ही साथ महिला की अन्य विभागों से संबंधित जो समस्या रहती है उसको भी वहां पर सुन करके वहां से रेफरल फॉर्म के माध्यम से दूसरे विभागों से उनकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। तो आज से उज्जैन में ये एक नई पहल हुई है और पूरे प्रदेश में 700 थानों में स्टार्ट हुई है, जहां पर महिलाओं की सुनवाई अच्छे से की जा सकेगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।